यहाँ पर वीडियो बन के आ गया है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप भी वीडियो बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो कैसे बनाते हैं दोस्तों, चलिए। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हो प्रिंटिंग बल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अपने फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन लगा कर दोस्तों, अलग अलग फोटो के साथ, अलग अलग ट्रांजेक्शन के साथ कैसे वीडियो बना सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए। जिंगल बीट ऐप से फोटो से वीडियो कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसको फोटो से वीडियो जिंगल ऐप से फोटो से वीडियो कैसे तैयार करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। जिंगल बीट आपको, जिंगल बीट ऐप सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जिंगल बीट ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना है। तो चलिए, जिंगल बीट मैंने आपको डाउनलोड कर लिया हूँ दोस्तों, उसके बाद इसको जिंगल बीट ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है दोस्तों, उसके बाद यहां से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहां पर मेड इन इंडिया दिख रहा है दोस्तों, ये इंडिया का ही ऐप है। फोटो से वीडियो तैयार कर सकते हैं अलग अलग इफेक्ट के साथ, ट्रांजेक्शन के साथ। उसके बाद यहां स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर खुल जाता है दोस्तों, बहुत सारे टैबलेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, जिस टैबलेट में बनाना है दोस्तों वहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया है दोस्तों, किस कैटेगरी में बनाना चाहते हैं, बढ़ते में बनाना चाहते हैं, हिंदी, इंडियन, गुजराती, मराठी, पंजाबी, इस किस भाषा में बनाना चाहते हैं, यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया गया, यानी टैबलेट दिया गया है, जिस टैबलेट में बनाना चाहते हैं वो उस टैबलेट में बना सकते हैं। चलिए, मैं आपको बताने के लिए आपको कौन सा भी एक टैबलेट ले लेता हूँ, मान लीजिए पॉपुलर है, पॉपुलर ऐप पर क्लिक कर देना है कैटेगरी में, और जो आपको अच्छा लग रहा है टैबलेट, यहाँ से टैबलेट को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मान लीजिए कि मेरे को टैबलेट अच्छा लग रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस टैबलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोडिंग होगा दोस्तों, कुछ सेकंड में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टैबलेट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद है कुछ सेकंड का ऐड आएगा दोस्तों, इस ऐड को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपका वो खुल जाता है दोस्तों। यहाँ पर गाना को मैंने साइलेंट कर दोस्तों, मैंने यहाँ पर गाना को साइलेंट कर देता हूँ दोस्तों, कॉपीराइट आ जाता है दोस्तों। उसके बाद गाना को साइलेंट कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर वो टैबलेट खुल चुका है। उसके बाद अपना फोटो लगाना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सीधे आपके गैलरी में लेकर चला जाता है दोस्तों। गैलरी में जो आपका फोटो जो आपको लगाना चाहते हैं दोस्तों, यहां से फोटो को सिलेक्ट करना है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, पांच फोटो यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पांच फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से अपना एग्जैक्ट फोटो को यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं जितना मैं आपको रखना चाहता हूँ। देखिए मैं इस तरह से एडजस्ट कर लिया दोस्तों, और अगले फोटो के ऑप्शन पर जाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अगले फोटो को भी क्रॉप कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये फिर अगले फोटो के पाँच फोटो है दोस्तों, तो अगले फोटो पर जाने के लिए इस ऑप्शन पर फिर क्लिक कर देना। सभी फोटो को यहाँ पर मैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सारा फोटो मैंने एडजस्ट कर से यानी क्रॉप करके यहाँ पर सारे फोटो आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका फोटो बन चुका है दोस्तों, आप गाना भी सुन सकते हैं दोस्तों, मैंने गाना को सेलेक्ट कर दिया हूँ दोस्तों। और उसके बाद इफेक्ट लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं दोस्तों, जो फिल्टर आपको अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर मिल जाता है, जो फिल्टर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उस फिल्टर को यहाँ पर लगा सकते हैं। और टेक्स्ट भी लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है दोस्तों सॉन्ग का, सॉन्ग भी यहाँ से बदल सकते हैं। एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों प्राइड कल, इस ऑप्शन पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर दिल का चित्र है दोस्तों, या ऊपर से गिरेगा नीचे से गिरेगा, जिस रंग में इसको लगाना चाह रहे हैं फिर उसको रंग भी बदल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ का आपका वीडियो बन चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ स्पॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्पॉट पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ किस कॉल रेजुलेशन में सेव करना चाहते हैं, HD में सेव करना चाहते हैं वीडियो को, या नॉर्मल में सेव करना है, तो मैं HD में कर लेता हूँ दोस्तों। जिंगल बीट ऐप को वाटर मार्क नहीं रखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऐड देखने को मिलेगा दोस्तों, उसके बाद उसको कट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ से यस कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट होने लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप फोटो से वीडियो बना सकते हैं, ट्रांजेक्शन फिल्टर लगा सकते हैं तो अमेजिंग फोटो बनेगा दोस्तों, वीडियो अच्छा बनेगा, आप स्टेटस वीडियो में लगा सकते हैं। तो इस तरह से जिंगल बीट ऐप से फोटो से वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।